हम लोग वंचित विद्या मितान हैं, जो पिछले 3-4 वर्षों से बस्तर, सरगुजा, कांकेर सभी विभिन्न संभाग में जा करके अपना शिक्षण दे रहे थे। लेकिन अभी बहुत से विद्या मितानों का तो हो गया ज्वाइनिंग अतिथि शिक्षक के रूप में, लेकिन अभी हम लोग के बहुत सारे विद्या मितान हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी की समस्या हो गई है। उन रोजी रोटी की समस्या से सब परेशान हैं, त्रस्त हैं। तो इसी वजह से हम शिक्षा मंत्री जी से मतलब कि आवेदन देने आए थे उनको कि हमें भी जल्दी से अतिथि शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग दें और हमारा भी भविष्य का सुधार करें, ताकि हम लोग भी इतने साल, जैसे कि बस्तर सरगुजा में नक्सलाइट लोग भी अगर सरेंडर करते हैं तो उनको तो जॉब, जमीन सब देते हैं, हम तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाए हैं, तो हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था करना चाहिए और हमें भी कोई बेरोजगार जो बैठे हैं उनके लिए कोई उचित व्यवस्था करके जल्दी से अतिथि शिक्षक में कम से कम ज्वाइनिंग देना चाहिए और हमारे भविष्य का सुधार करना चाहिए। इसी के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे। लगभग 250 250, हाँ, प्रदेश भर में लगभग 250 विद्या मितान अभी बचे हुए हैं, तो उन्हीं सब के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे। लेट लतीफ़ी इसलिए हुआ है कि पहली बात तो कुछ हम लोग फ्रेशर लोगों को ले लिया गया, और जबकि हम विद्या मितान थे, इतने सालों से वहाँ पे कार्य कर रहे थे, तो हमारे जगह में फ्रेशर लोगों को ले लिया गया, इसीलिए पद आने के बाद भी हम लोग वंचित रह गए। इसीलिए अभी हम लोग ज्ञापन देने आए हैं वहाँ पे कि हमको भी जल्दी से अतिथि शिक्षक में लिया जाए, ताकि हमारी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। मैं मुकेश कुमार डोंगरे, वंचित विद्या मितान, छत्तीसगढ़। For more information, log on to www.clips.in.